तो ये पीस हमने चेंज किया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से डैमेज हो गया था, डोर इसका एक्सचेंज किया है मुकम्मल नहीं, क्योंकि डोर इसका ये देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ख़राब हो वगैरह यहाँ से किया है। तो ये चेक करें माशाल्लाह, प्राइमर वगैरह की तैयारी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई माशाल्लाह। डोर इसका यहाँ से हमने चेंज किया था माशाल्लाह, डोर वगैरह ओके हो गया। पिलर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, वीडियो में आपने चेक किया होगा। प्राइमर खूबसूरती देखें, एक साइड मुकम्मली पेंट हुई है, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हो गई गाड़ी। ये चेक करें बीच कलर में टोयोटा लैंड क्रूज थीम, तो गाइस ये चेक करें जी, टोयोटा लैंड क्रूजर 2020 मॉडल। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पिलर डैमेज हो गया था, मेरी ड्यूटी का टाइम था, तो मैंने उस टाइम आपके साथ वीडियो बाइक के साथ नहीं शेयर की, तो मैंने कहा अभी आपके साथ शेयर कर दिया था। तो यहाँ से हमने ये देख के वेल्डिंग वगैरह करके रेडी कर लिया है, डेंटिंग का काम माशाल्लाह क्लियर हो गया। यहाँ से ये देख के वेल्डिंग हुई भी आपको नज़र आ रही होगी, जॉइंट वगैरह हमने डाल दिया है यहाँ से लेके यहाँ से और अंदर से इस जगह से, ये देखिए जॉइंट डाल दिया है, ये वेल्ड हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। प्रॉपरली ग्राइंडर वगैरह हो गया है, अभी इसके बाद इंशाल्लाह प्राइमर वगैरह फिलिंग वगैरह की तैयारी है, इसके बाद इंशाल्लाह पेंट की तैयारी है। इस गाड़ी की मुकम्मल वीडियो में आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा। बैक कैरियर उतरा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, वो क्यों उतारा हुआ है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो गाइस ये चेक करेंगे, इसका कैरियर पड़ा हुआ है बैक कैरियर। ये लैंड क्रूजर उमानियों की बड़ी शौकीन गाड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा इनकी प्राइस है, उनको भी वेल्ड वगैरह करते हैं। हमारे पास जापानी प्लांट पड़ा हुआ है तो काफ़ी हमारा काम करता है, छोटा सा है तरल। तो ये देखिए यहाँ से कैरियर भी डैमेज हुआ हुआ है, ये चेक करें, गेरी लाइन डल गई अंदर की तरफ, काफ़ी ज़्यादा बैंड हो गया क्योंकि एक्सीडेंट हुई है। ये देखिए बैक से भी आपको नज़र आ रहा होगा, फ्रंट डोर से लेके बैक तक गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है। तो इंशाल्लाह इस गाड़ी को तैयार करते हैं, इसकी मुकम्मल वीडियो में आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह पेंट वगैरह भी करते हैं, फेंडर भी यहाँ से डैमेज हुआ था। तो ये इसका पुराने वाला पीस है, ये चेक करें, यहाँ पे लगा हुआ होता है ये पीस, ठीक है, पिलर का, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो वही हमने, हमारे पास कैरियर पड़े होते हैं केबल, तो उनसे काट के इधर लगा दिया, तो यह वेल्ड हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो माशाल्लाह डेंट का काम कैसा हुआ है, सेटिंग वगैरह देख के माशाल्लाह डोर की गैप वगैरह प्रॉपरली जिस तरह कंपनी की सेटिंग होती है उसी तरह कर दिया है। तो माशाल्लाह ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है, एंटीक गाड़ी है माशाल्लाह, और बीच कलर में डोर हमारे पास पड़ा हुआ था तो ये चेंज कर दिया है, सीलों में डोर बिल्कुल ओके है माशाल्लाह। ये चेक करें, इंटीरियर वाइज भी गाड़ी ये थी, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, उमानियों की बड़ी शौकीन और काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस है लैंड क्रूज़र की। तो इंशाल्लाह इसको बिल्कुल रेडी करते हैं, पेंट वगैरह करते हैं, उसकी वीडियो आप भाइयों के साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह हमने चेंज पीस के डैमेज हुआ था, पीस हमने चेंज किया है, तो माशाल्लाह ये देखिए फिलिंग वगैरह की तैयारी हो गई है, अभी फाइनल रगड़ाई वगैरह है, रगड़ाई के बाद इंशाल्लाह फाइनल पेंट वगैरह की तैयारी है, उसकी वीडियो में आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा। फेंडर भी ओके हो गया है, डोर को प्राइमर किया हुआ है तो पेंट रूम में पड़ा हुआ है, तो उसको भी माशाल्लाह इस तरफ को प्रॉपरली प्राइमर कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था तो हमने चेंज किया पास से ही। तो इंशाल्लाह इस गाड़ी को रेडी करते हैं, पेंट वगैरह की वीडियो में आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। बाकी पिलर वगैरह कंडीशन देखें, बिल्कुल ओके हो गई है, कहीं से भी ख़राब वगैरह नहीं हुई हुई, तो माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो गई है। ये चेक करें, अभी इसको इंशाल्लाह तैयारी वगैरह करते हैं पेंट की, उसकी वीडियो भी आप भाइयों के साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। वगैरह वो भी हुआ हुआ माशाल्लाह, देखिए फिलिंग वगैरह भी होगी है और उसके बाद फाइनल पेंट भी हो गया। मैंने कहा भाइयों के साथ मुकम्मल डिटेल शील कर दूं, तो ये चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो गया। ये चेक करें माशाल्लाह, फिनिशिंग देखें, कलर का शाइन देखें, खूबसूरती देखें, अंदर बाहर से हम एक जैसी मेहनत करते हैं ताकि गाड़ी को पासिंग में कोई इशू ना हो, दूसरा गाड़ी की मालूमात ना हो डैमेज हुई है कि नहीं, कि अच्छा काम करते हैं। तो ये चेक करें, डोर तो वैसे भी ओरिजिनल था, सील वगैरह बिल्कुल ओके है माशाल्लाह, अंदर से बीच कलर का था, यहाँ से भी ये पट्टी वगैरह भी डैमेज थी क्योंकि सेकेंड हैंड डोर हमने फिटिंग की है इसको, तो वो थोड़ी कम प्राइस में होता है, ओरिजिनल तो काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस है, तो मानी 200 से लेके 300 रियाल तक डोर मिलता है। बिल्कुल अगर ओरिजिनल लेंगे, पेंट ना हुआ हो, तो 300 रियाल का मिलता है, पाकिस्तानी 2 लाख रुपए बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये प्राइसों के डोर होते हैं। लैंड क्रूजरों की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, 12 से लेके 15 हज़ार रियाल तक ये गाड़ी है, तो पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा पैसे बनते हैं, मतलब 1 हज़ार से 7 लाख रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, तो मानी रियाल 722 रुपये का एक है, तो काफ़ी हाई लेवल पे जा रहा है इन दिनों में। तो ये देखें यहाँ से ये पेंट वगैरह भी उतरा हुआ है और डोर, ये जो कैरियर है यहाँ से इसके जॉइंट वगैरह उतर गए थे, तो हमने वेल्ड वगैरह कर दिया माशाल्लाह प्लांट के साथ। तो ये देखें कैरियर यहाँ से डैमेज था, तो वो भी फिलिंग वगैरह की तैयारी हो गई है माशाल्लाह। अब कैरियर पेंट बाकी है, बॉडी गाड़ी की होगी इंशाल्लाह, और कैरियर को भी रेडी करते हैं, फिटिंग करते हैं कैरियर को अपनी जगह पे,
انشاءاللہ گاڑی کو پالش وغیرہ کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بھی آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ. ضرور چیک کومنٹ سے اپنی رائے ضرور شیئر کیجئے گا، گاڑی کیسے تیار ہو رہی ہے، بھائیوں کی محبت ہوتی ہے. ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا ہے کافی زیادہ، یہاں سے فینڈر وغیرہ بھی ڈیمیج تھا، ڈور ہم نے چینج کیا یہ بھی ڈیمیج تھا، یہ فلپ کافی زیادہ ڈیمیج ہوا تھا، ساتھ میں کیریئر بھی کافی زیادہ ڈیمیج تھا. اس گاڑی کی مکمل ویڈیو میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو گائیس یہ چیک کریں ماشاءاللہ، کلر کا آپ شائن دیکھیں یوزر، تو فرنٹ سے لک وغیرہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. کافی زیادہ اس گاڑی کی پرائز ہے، تو یہ جو لوگو ہوتا ہے یہ کمپنی کا آتا ہے، کسی ماڈل میں یہ آتا ہے، ہر ماڈل میں، جس طرح پاکستان میں 70 125 بائک میں ہر ماڈل کے بعد چینج آتا ہے، تو یہ شوق سے آپ چینج کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا. ماڈل تو گاڑی کے چیسس پہ جو ہے وہی ہے، پر اسٹکر شوق سے نیو ماڈل کا بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ اسٹکر کیونکہ اتار دیتے ہیں، ہم اتار دیتے ہیں کیونکہ ڈینٹنگ کا کام ہو رہا تھا، پینٹ وغیرہ ہوا ہوا آپ نے چیک کیا ہوگا. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ آفٹر مارکیٹ ڈیکوریشن سے یہ لگوا کے لے کے آئے ہیں، ساتھ میں یہ لوگو لگوا کے لے کے آئے ہیں. تو گاڑی کی لک ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہوگی ہے. ڈور ہم نے یہ والا چینج کیا ہے، تو تھوڑا یوز ہوا ہوا تھا، تھوڑا سا ڈیمیج تھا، وہ ہم نے رپیئر کر کے ان کو دے دیا ہے، تو تھوڑی کم پرائز میں. تو اوریجنل تو اس کی کافی زیادہ پرائز ہے ڈور کی. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں، اندر سے سیلوں میں بالکل اوکے ہے، سیلوں میں بالکل اوکے تھا، اندر سے بھی ہم نے پینٹ وغیرہ کیا ہے، تو ڈیکور وغیرہ لگا دی ہے. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں بالکل اوکے ہوگی اندر سے بھی. یہ دیکھیں پلر کے اندر والی جگہ سے بھی، باہر سے بھی. گاڑی کی ہم فنشنگ ایک جیسی رکھتے ہیں تاکہ ڈیمیج ہوئی بھی گاڑی کی معلومات نہ ہو. تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ، اندر باہر سے کلر کا شائن دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، پالش وغیرہ ہم اندر باہر سے دونوں طرف سے کرتے ہیں تاکہ یہ کافی زیادہ ان گاڑیوں کی پرائزیں ہوتی ہیں تو ٹچنگ ہو یا مین ایکسیڈنٹ ہو تو اس کی پاسنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے، دوسرا پرائز کافی لو ہو جاتی ہے. تو ان کی کوشش ہوتی ہے عمانیوں کی ہم سے اچھا کام کرواتے ہیں، کیونکہ ان گاڑیوں کی پرائز زیادہ ہے اور معلومات نہ ہو کہ پینٹ ہوئی ہے کہ نہیں. تو یہ پیس ہم نے یہاں سے کٹنگ کر کے چینج کی ہے. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسا ہوا ہے، کامنٹ سے اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا، یا بھائیوں کی محبت ہوتی ہے. ولاگ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، یا بھائیوں کے ساتھ میں اس طرح گاڑی کے متعلق بلاگ شیئر کرتا رہتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں کیریئر بھی یہاں سے کافی زیادہ ڈیمیج ہوا تھا، وہ بھی ہو گیا ہے، لوگو بھی لگوا کے لے ہیں. تو ماشاءاللہ دیکھیں یہاں سے کیریئر کافی زیادہ کٹنگ ہو گیا تھا اندر کی طرف، تو وہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ. اسٹکر وغیرہ بھی لگوا کے لے ہیں بیچ کلر کا. تو گاڑی کیسے تیار ہوئی ہے کامنٹ سے اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا. اندر سے کنڈیشن وائز بھی ماشاءاللہ انٹیریئر وائز بالکل اوکے ہے. تو میں نے گاڑی کی ویڈیو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی ہے، کیسی لگے گاڑی آپ کو کمنٹ سے اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ.